हेलो गाइस, नमस्ते। तो 2 दिन बाद हमारी फिर भेंट हो गई। तो मैंने इस चैप्टर जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, इस चैप्टर का मैंने वो जो पहला वाला पार्ट था वो एरिथ्रोसाइट, वो जो इओसिनोफिल्स बैसिनोफिल्स देन वो ब्लड ग्रुप वाला, मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया है। वो आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ लीजिए, वो वाला पार्ट ईजी है, ठीक है। देन मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर्कुलेटरी पाथवेज। तो गाइस, बिना किसी देरी करे स्टार्ट करते हैं। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर टू टाइप्स। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स क्या, दो टाइप होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में क्लोज्ड होता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, इन विच ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट विच पुशेस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस ऑफ बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनोसिस। देन एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन विच ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड इन ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेसल होता है वो टोटली, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल क्या है, वो जो टिश्यू वेन्स होते हैं उसमें ही पास होता है। पर वो जो हमारे ओपन होते हैं, ओपन क्या होता है, ये एक टिश्यू है, ये टिश्यू में क्या है, थोड़े थोड़े ओपनिंग से स्पेरेकल्स और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनोसिस। तो उसमें क्या होता है ना, हमारा ब्लड होल बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है। पर क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में ओनली वो जो वेन आर्टरीज होता है उसी में ही फ्लो होता है। तो आपका क्लोज सर्कुलेटरी दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूड कैन मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका मोर एडवांटेजियस है। ऑल वर्टिब्रेट्स प्रोसेसेस ए नंबर ऑफ नंबर सॉरी ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस में क्या होता है, फिशेस हैव टू चैम्बर्ड हार्ट विथ ए एट्रियम एंड ए वेंट्रिकल। फिश में दो चैम्बर, टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, ठीक है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। देन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विच आर 2 आट्रिया एंड ए सिंगल वेंट्रिकल। ये फिश का हो गया, फिश का ऐसे हार्ट आ गया यहाँ पर, आट्रिया यहाँ पर एक वेंट्रिकल। वैसे ही क्या, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स को छोड़ के रेप्टाइल्स है, ठीक है। अदर रेप्टाइल्स उनका ये वाला हार्ट हो गया। दो आट्रिया हो गए, एक वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। एंड सिंगल वेंट्रिकल हो रहे। क्रोकोडाइल्स बैट्स एंड मैमल्स पोजेसेस ए 4 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 आट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। इन फिशेस द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाई टू द बॉडी फ्रॉम द पार्ट्स वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट इज सिंगल सर्कुलेशन। उनमें क्या होता है ना, पहले हमारे हार्ट, हार्ट से ओनली प्योर ब्लड निकलता है, हार्ट से इम्प्योर ब्लड, हार्ट से इम्प्योर ब्लड निकल के, ये रहा हार्ट, हार्ट से इम्प्योर ब्लड निकल के कहाँ जाता है, गिल्स में। गिल्स में क्या होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन आता है बॉडी पार्ट्स में, देन फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर गिल मेन फंक्शनिंग करता है। देन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स लंग्स और स्किन्स एंड द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हाउएवर दे गेट मिक्सड अप इन सिंगल वेंट्रिकल हुइच पम्प्स आउट मिक्सड ब्लड, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन।
देन यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वेंट्रिकल में मिक्स हो गए, तो इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये वाला था सिंगल सर्कुलेशन फिश का। देन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो थे उनका हो गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये खत्म हो गया। हाँ, इन बर्ड्स एंड मामल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली पास थ्रू द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड्स। द वेंट्रिकल्स पंप आउट विदाउट एनी मिक्सिंग, दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेम सेम आता है, यहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं होता। ठीक है, हेंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो गाइस लेट अस डिस्कस अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड दी फ्लूड व्हिच इज सर्कुलेटेड। ठीक है, तो गाइस लेट अस स्टार्ट। हार्ट व्हिच इज मेजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गेन। ठीक है, हार्ट एक मेजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गेन है, सिचुएटेड इन दी थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स। मेजोडर्मल ओरिजिन है, सिचुएटेड इन दी थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे जो डॉक्टर्स स्टेथो में चेक करते हैं, उस लेफ्ट साइड में स्टेथो आपके डाल के चेक करते हैं, क्योंकि आपका दो जो वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे वाला जो वेंट्रिकल्स वो थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। ठीक है, इट हैज़ ए साइज ऑफ ए क्लेंच्ड फिस्ट, आप अपने फिंगर्स और हाथ को एक मुट्ठी कर लीजिए, उतना ही साइज़ का आपका हार्ट है। ठीक है, साइज ऑफ ए क्लेंच्ड फिस्ट। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, हमारा लंग्स में क्या था, प्लूरल फ्लूइड, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड। हमारा हार्ट हैज़ फोर चैम्बर्स, टू रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स कॉल एट्रिया, ऊपर जो छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं एट्रिया, देन टू लार्जर लोअर चैम्बर्स कॉल वेंट्रिकल्स, दोनों लार्जर चैम्बर्स कॉल वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड दी इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट्स दी राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, वर एज ए थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स दी लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो आपका जो होता है ये शायद रहा आट्रिया, इससे इसके बीच में एक थिन थिन थोड़ा पतला सा होता है। ठीक है, थिन मस्कुलर वाल होता है कॉल्ड इंटर आट्रियल सेप्टम। आपको जो वेंट्रिकल्स हुए उससे एक थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। आर्ट्रिया के केस में सिंग थिन, देन वेंट्रिकल्स के केस में थिक मोटा होता है। ठीक है, द आट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स आर ऑफ द सेम साइड ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइबरस टिश्यू कॉल्ड आट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आपका आट्रियम, ये दोनों आपका वेंट्रिकल्स, इंटर आट्रियल सेप्टम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, यहाँ पर जो एक होता है थिक फाइबरस जो आट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, थिक फाइबरस टिश्यू और थिक फाइबरस टिश्यू कॉल्ड, इट इज कॉल्ड आट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, आट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ये वाला। ठीक है, अब आपके चार चम्मच हो गए हार्ट के।
एंड हाउएवर ईच ऑफ ईच ऑफ दिस सेप्टा प्रोवाइड प्रोवाइडेड विथ ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर्स ऑफ सेम साइड आर कनेक्टेड. ठीक है, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द वाल्व फॉर्म बाय थ्री मस्कुलर कॉस्प और फ्लैप्स द ट्राइकोस्पिड वाल्व. व्हेयर एज द बाइकोस्पिड और मिट्रल वाल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग होता है उसे गार्ड और वाल्व, वहाँ पर एक गार्ड और वाल्व प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसका नाम है वो थ्री मस्कुलर कॉस्प वाला है, वो वाला है ट्राइकोस्पिड वाल्व. देन आपका जो होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उसे एक गार्ड करता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है वहाँ वो वाला है बाइकोस्पिड और माइट्रल वाल्व गार्ड्स. ठीक है, देन द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इन टू, ये वाला तो नेक्स्ट पेज में है. यहाँ पर आप देख लीजिए हार्ट का, ये वाला आपका है आउटर, ये है आपका वेना कावा, ये है आपका सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा, ये आपका इन्फेरियर. ठीक है, इन्फेरियर वेना कावा ब्रिंग्स द इम्प्योर इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. ये वाला आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड लाता है, ये वाला आपके बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड लाता है. ठीक है, ये आपका SAN साइनो आट्रियल नोल नोड जो है पेस मेकर ऑफ द हार्ट. ये वाला है आपका SAVN, ये आपका आट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो आपका पेस सेटर होता है. देन उसमें से एक ट्यूब फाइबर्स निकल कुछ ट्यूब फाइबर्स निकलते हैं, वो है हमारा बंडल ऑफ हिस. ठीक है, देन उससे दो सेपरेट निकलते हैं, उसे बंडल ऑफ हिस, देन बंडल ऑफ हिस इज डिवाइडेड टू टू, ये दोनों दोनों तरफ डिवाइड हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या पर्किंजे फाइबर्स. सॉरी, ये वाला आपका है एबी नोड, ये वाला है एबी नोड, हाँ ये वाला है एबी नोड, ये वाला आपका बंडल ऑफ हिस, ये दोनों आपके पर्किंजे फाइबर्स. ठीक है, देन यहाँ पर देन ये वाला जो मसल्स होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉर्ड टेंड्री. यह आपका लेफ्ट एट्रियम, यह आपका राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल. ठीक है, यह आपका यहाँ पर होता है जो क्या आपका आट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो हुआ आपका वेंट्रिकुलर, ये जो वेंट्रिकल को डिवाइड किया क्या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये यहाँ पर होते हैं जो एट्रियम को डिवाइड करते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम. ठीक है, ये वाला देखिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, तो गाइस ये था हमारा हार्ट का जो पिक्चर था. तो यहाँ पर हमारे होते हैं क्या ट्राइकोस्पिड वाल्व, यहाँ पर हमारे होते हैं बाइकोस्पिड वाल्व. ठीक है, ट्राइकोस्पिड वाल्व और बाइकोस्पिड वाल्व. तो गाइस चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज में. तो कहता है द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पुलमोनरी आर्टरी, सॉरी गाइस पुलमोनरी आर्टरी
एंड द aorta रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड बाय सेमिलुनर वाल्व, पुलमोनरी जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ओपनिंग होता है पुलमोनरी आर्टरी में और एंड aorta में, वो वहाँ पर क्या होता है सेमिलुनर वाल्व होता है। द वाल्व इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, वाल्व हमारा क्या होता है वो वन डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, पीछे नहीं आता है। फ्रॉम द आर्टेरिया टू वेंट्रिकल्स, फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू पुलमोनरी आर्टेरिया और aorta, ठीक aorta, ठीक है। दिस वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो, बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। देन आते हैं हमारे ये जो है पहला पार्ट है इम्पोर्टेंट थोड़ा है हमारा जो SAN एंड AVN, ठीक है। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स हमारा एंटायर हार्ट बना है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द आर्टेरिया, वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द आर्टेरिया, क्यों, आर्टेरिया में ब्लड आता है, वेंट्रिकल जो है आपका ब्लड पंप करता है होल बॉडी में, ठीक है, इसीलिए उसका मसल्स थोड़ा, वेंट्रिकल का मसल थोड़ा मोटा थिकर होता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, जो पैच ऑफ टिश्यू द अपर द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड साइनो एट्रियल नर्व, जो दिखाया था मैंने। SAN प्रेजेंट होता है आपका, ये रहा एट्रियम, ठीक है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यहाँ पर आपका SAN प्रेजेंट होता है। देन अनदर मास ऑफ टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ रहा, यहाँ पर लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यहाँ पर हमारा AVN होता है। SAN से यहाँ आया, देन AVN से निकला बॉन्डल ऑफिस, देन बॉन्डल ऑफिस से पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। SAN AVN देन ए बॉन्डल ऑफ नोडल फाइबर्स आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बॉन्डल AV बॉन्डल निकलता है, कंटेन्स AVN विच पैसेज थ्रू द आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा टू मर्ज द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट बॉन्डल। दिस ब्रांचेस गिव ए माइन्यूट फाइबर्स थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स एंड कॉल पर्किंजे फाइबर्स, वहाँ से पर्किंजे फाइबर्स निकले, ठीक है। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरल एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, वो जो हमारा है SAN वो होता है पेस मेकर, देन आपका AVN जो होता है वो है पेस सेटर, ठीक है, वो दोनों आपके इम्पोर्टेंट है। जो SAN होता है इट कैन जेनरेट मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल एट द रेट ऑफ 70-75 टाइम्स पर मिनट, उसी के वजह से हमारा हार्ट बीट होता है, ठीक है। द इट इज ऑटो एक्साइटेबल, हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जेनरेटेड इन ए मिनट वेरी आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। द SAN कैन जेनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70-75 टाइम्स पर मिनट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वो मेंटेन करता है। मतलब अगर आपका SAN जो काम करना बंद कर देगा तो आपका हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो SAN इज वेरी इंपॉर्टेंट साइनोएट्रियल नोड, देयरफॉर इट इज द पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर उसे बोला जाता है। आर हार्ट नॉर्मली बीट 70-75 पर मिनट, एवरेज होता है 72, ठीक है। तो ये वाला ख़त्म हो गया, तो एक डायग्राम में दिखा देता हूँ। जो है आपका यहाँ पर SAN होता है, यहाँ पर रहता है आपका AVN होता है आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड,
यहाँ से ऐसे टिश्यू आते हैं, ऐसे नहीं होता है, ये होता है एवियन, ठीक है। यहाँ से आपका बॉन्डल ऑफ हिस निकल के यहाँ से आपका पोर्किंजे फाइबर्स निकलता है, ठीक है। देन यहाँ पर आपके होते हैं कितने बिट्स, 72-75 पर मिनट होते हैं, 72-75 पर मिनट होते हैं। यहाँ पर होते हैं 40-60 बीट्स पर, ठीक है, 40-60 बीट पर मिनट। यहाँ पर और एक चीज़ होता है, यहाँ पर इट इज़ डिलेड फॉर 0.1 सेकेंड, एक सेकेंड 0.1 सेकेंड के लिए डिले होता है, जो कार्डियक सेकेंड में हम पढ़ेंगे, 0.1 सेकेंड है। देन जो आपका पॉर्किंजे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर होते हैं कितने, 16-40 बीट्स, 16-40 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो एसएन में आपका होता है 72-75 बीट्स पर मिनट, एवीएन में आपका 0.1 सेकेंड के लिए जो डिले होता है, देन आपका वहाँ पर होता है 40-60 बीट्स पर मिनट। देन आपका जो होता है क्या, पॉर्किंजे फाइबर्स, वहाँ पर होता है 16-40 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो भाई चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ऐसे चलो यहाँ पर कार्डियक साइकिल देखते हैं, कार्डियक साइकिल क्या है। एक्चुअली मेरा नोट से थोड़ा इधर उधर हो गया, छोड़ो। तो कार्डियक साइकिल देखते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं इट इज़ द सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट अकरिंग इन ए हार्ट बीट हुईज आर कार्डियली रिपीटेड। जो सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट अकरिंग इन ए हार्ट बीट, हार्ट हार्ट बीट के हार्ट बीट में जो एक हार्ट में हमारा सिक्वेंशियल जो इवेंट्स होता है, ठीक है, एक हार्ट बीट में, हार्ट के अंदर जो हमारा सिक्वेंशियल इवेंट होता है एक हार्ट बीट में, उसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। वन कार्डियक साइकिल में क्या होता है, वन हार्ट बीट होता है। वन कार्डियक साइकिल इज प्रेजेंट जॉइंट डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए होता है, आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए, देन आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए होता है। टोटल कुल मिला के 0.08 सेकेंड के लिए होता है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कुल मिला के 0.8 सेकेंड के लिए होते हैं कार्डियक साइकिल टोटल। वन कार्डियक साइकिल इक्वल टू 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा 72 पर बीट्स पर मिनट, 72 पर बीट्स होता है कितने मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट जो होता है 60 सेकेंड, तो एक बीट कितने होता है, 60/72 इक्वल टू 0.8 सेकेंड, ठीक है। ये आपका सर्कल एक ले लेते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, ये वाला होता है आपका जॉइंट डायस्टोल जो 0.4 के लिए होता है, देन आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आट्रियल सिस्टोल 0.1, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, ठीक है। तो गाइस चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखते हैं जॉइंट डायस्टोल में क्या क्या होते हैं। जॉइंट डायस्टोल जो होता है 0.4 सेकंड के लिए, ठीक है। बोथ आट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, यहाँ पर दोनों आट्रियम एंड वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। ट्राइकोस्पिड एंड माइट्रल वाल्व आर ओपन होते हैं, ट्राइकोस्पिड एंड माइट्रल वाल्व जो वाल्व होते हैं आट्रियम और वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल के बीच में, दोनों ओपन होते हैं। सेमीलुनर वाल्व क्लोज होता है, जो वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी और आउटा में जाता है, वो दोनों क्लोज होते हैं, ठीक है। आट्रिया रिसीविंग ब्लड फ्रॉम वेना कावा एंड पुल्मोनरी वेन, आट्रिया से वेना कावा से आता है, पुल्मोनरी वेन से आता है आपका ब्लड आट्रियम में। सो ब्लड फ्लोज फ्रॉम द आट्रियम टू रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल में आता है। ये सारे होते हैं आपके जॉइंट डायस्टोल में। देन देखते हैं आट्रियल सिस्टोल में क्या होता है। आट्रियल सिस्टोल जो कि हमारा 1-0.1 सेकेंड के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर एस एन जेनरेट एक्शन पोटेंशियल व्हिच स्प्रेड थ्रू द वॉल ऑफ द आट्रिया, देन बोथ ऑफ द आट्रिया कॉन्ट्रैक्ट 30% मोर ब्लड
फ्रोज टू द वेंट्रिकल। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो SAN होता है, SAN एक एक्शन पोटेंशियल जेनरेट करता है, उसकी वजह से हमारा आर्ट्रिया का वाल स्प्रेड हो जाता है, बोथ द आर्ट्रिया का, ठीक है, दोनों आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो जो उसके लिए 30% मोर ब्लड फ्लोस टू दी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में आपका यहाँ पर ब्लड एंट्री मार लिया, ठीक है, आर्ट्रियल सिस्टम ले थोड़ा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, देन वेंट्री, देन हम देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि हमारा होता है 0.3 सेकंड के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम AVN स्प्रेड टू द बंडल ऑफ फिश, तो SAN हो गया था, और जो AVN से एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द AVN स्प्रेड द बंडल ऑफ फिश, देन उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर शॉर्टली इंक्रीजेस, वेंट्रिकुलर का प्रेशर थोड़ा इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने से ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, ठीक है, और आर्ट्रियम से ब्लड आ गया था वेंट्रिकल में, देन वेंट्रिकल से जो AVN ने एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया बॉन्डल ऑफ हिस को, देन बॉन्डल ऑफ हिस जो हुआ, देन आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर थोड़ा स्लोली इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने से आपका ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं, जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, उसी समय वो जो क्लोज हो गए उसी समय हमारा हार्ट का फास्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या है, लॉब साउंड, जब ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं उसी समय हमारा हार्ट का फास्ट साउंड जो कि लॉब साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, देन फर्दर इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर में फिर से एक प्रेशर होता है, प्रेशर होने से सेमिलुलर वाल्व ओपन होते हैं, उसके बाद ब्लड एंटर इन टू दी आउट एंड दी पुलमोनरी आर्टरी, आउट एंड दी पुलमोनरी आर्टरी में एंट्री मार लिया, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे ओपनिंग ऑफ द सेमिलुलर वाल्व होता है, यहाँ पर आपका देन आपका ये सब खत्म होने के बाद आपका जो सेमिलुनर वाल्व होता है, सेमिलुनर वाल्व, देन आपका ब्लड आर्ट्रियम से, सॉरी वेंट्रिकल से आपका पुलमोनरी आर्टरी एंड आर्टा में हो गया, पास हो गया, देन उसके बाद हमारा जो सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाता है, दैट इज क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, सेमिलुनर वाल्व क्लोज होने से बैक फ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंट होता है वेंट्रिकल में, आर्टा से वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आता है, द क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वाल्व, यहाँ क्लोजर जब क्लोज होता है, सेमिनुलर वाल्व जब क्लोज होता है जब सेमिनुलर वाल्व, उसी समय उसी टाइम डब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्लोजर ऑफ बाइकोस्पिड एंड ट्राइकोस्पिड वाल्व लॉब साउंड, क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वाल्व डब साउंड, ठीक है, तो ये था हमारे हार्ट के साउंड जो प्रोड्यूस होते थे, लॉब साउंड देन डॉब साउंड, देन हम देखते हैं हमारा जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर्म्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ सिंगल हार्ट बीट और ए कार्डियक साइकिल, अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर्म्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ सिंगल हार्ट बीट, एक सिंगल हार्ट बीट में जो वेंट्रिकल में ब्लड फॉर्म्ड होता है, ठीक है, और एक कार्डियक साइकिल होता है जो कि हमारा 70 ml होता है, एक कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, पर मिनट जो वेंट्रिकल ब्लड पम्प करता है आर्ट्रियम, सॉरी आउटा और पुलमोनरी आर्ट्री में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कितना होता है, कार्डियक आउटपुट हमारा है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इंटू रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा होता है 70 ml, रेट ऑफ हार्ट बीट 72 times बीट्स पर मिनट होता है, इसके लिए टोटल हमारा कार्डियक आउटपुट होता है 5000 ml और 5 L, ठीक है, 5000 ml और 5 L होता है, देन गाइस चलो नेक्स्ट चलते हैं, देन गाइस हम देखते हैं ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखते हैं, वो कार्डियक साइकिल खत्म हो गया, देन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखते हैं, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर सो ए पेशेंट इज हुक्ड अप विथ मॉनिटर, आपने जो मॉनिटर मशीन देखा होगा फिल्म्स में जो हॉस्पिटल में होते हैं,
सोच द वोल्टेज ऑफ ट्रेसेस ऑन द स्क्रीन माइक पी 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 ये जो साउंड होता है एज द पेशेंट गोज इन टू कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट होने से आपका पी जो कंटिन्यू साउंड होता है। तो दिस टाइप ऑफ मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। मशीन होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो ऑप्टन होता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में आपका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोला जाता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। टू ऑप्टेन ए स्टैंडर्ड ईसीजी हमें क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ये वाला है, पहले इसे देख लेते हैं। ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू ए मशीन विथ थ्री इलेक्ट्रिकल लीड, एक मशीन होता है जिससे थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स निकलते हैं, ठीक है। वन टू ईच रिस्ट, आपके दोनों हाथों के दोनों रिस्ट में दो लगे होते हैं, एंड वन टू लेफ्ट एंकल, लेफ्ट एंकल में एक लगा होता है, ठीक है। कंटिन्यूसली मॉनिटर दी हार्ट एक्टिविटी फॉर ए डिटेल्ड इवेल्युएशन हार्ट्स फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू दी चेस्ट रीजन। आप जो देखते हैं थोड़ा ज़्यादा हमें करना है तो कुछ चेस्ट रीजन में आपका मल्टीपल लीड्स लगाए जाते हैं, नहीं तो हमारे सिंपल होते हैं तीन लीड्स निकलते हैं, वन टू ईच रिस्ट एंड देन वन टू लेफ्ट एंकल। यहाँ पर दो रिस्ट में दो लगे और एक लेफ्ट एंकल में लगा, ठीक है। हियर वी विल टॉक अबाउट नॉर्मल ईसीजी, आपका जो कोर्स में नॉर्मल ईसीजी का है। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विथ ए लेटर पी टू टी दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। आपका जो पी से लेके टी तक होता है, यहाँ पर पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये वाला जो चीज है ये वाला है हमारा वन हार्ट बीट, ठीक है। सो गाइस ये हमारा पी क्यू आर एस, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से हमें मिलता है क्या, वन हार्ट बीट मिलता है। ये पी से स्टार्टिंग होता है, टी से एंड होता है, ए से होता है। यहाँ पर एक पी क्यू आर एस टी, देन यहाँ पर फिर पी क्यू आर एस टी, ऐसे होता है, कंटिन्यू होता है, ठीक है। देखते हैं द पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ बैटरिया। पी वेव से हमारा क्या होता है, ये एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पी वेव से क्या होता है, पी वेव से आपका होता है रिप्रेजेंट्स एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन ऑफ बैटरिया, डीपोलराइजेशन ऑफ बैटरिया पी वेव करता है, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। देन द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकल टू इन टू कॉन्ट्रैक्शन। ये दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। द वेंट्रिकल द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू मार्क्स बिगिन द सिस्टोल, ठीक है। आफ्टर द क्यू एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, यहाँ पर सिस्टोल बिगनिंग होता है। यहाँ आपका जो टी वेव होता है रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, रीपोलराइजेशन, तो आपका होता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। पी वेव हो गया डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, देन आपका टी वेव हो गया डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है, सॉरी ये वाला होगा आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल पी वेव, क्यू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा डीपोलराइजेशन ऑफ, सॉरी पी वेव, यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन्स होता है, ठीक है।
पी वेव होगा आपका डी पोलराइजेशन ऑफ आट्रिया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा आपका डी पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, टी वेव होगा आपका री पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। ओब्वियसली बाय कंटिन्यूइंग दी काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दैट ऑकर इन ए गिवन टाइम पीरियड वी कैन डिटर्मिन दी हार्ट बीट रेट ऑफ द इंडिविजुअल। एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से एक हार्ट बीट होता है, ठीक है। सिंस ई सी जी आर ऑप्टन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स रफली द सेम इज गिवन कॉन्फिगरेशन डिविडेड, ठीक है। तो आपका पी वेव क्या है, पी वेव है डी पोलराइजेशन ऑफ आट्रिया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है डी पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव होता है री पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो कहिए ये वाला हम देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन जो आपका होता है। तो डबल सर्कुलेशन ये वाला है आपका पुलमोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये वाला है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। पुलमोनरी सर्कुलेशन से क्या होता है, लंग्स से आपका यहाँ पर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फ्लो होता है वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल से का बॉडी पार्ट में जाता है, देन आपका ये वाला आता है यहाँ पर वेंट्रिकल में आट्रियम में, आट्रियम से वेंट्रिकल जाता है, वेंट्रिकल से आपका लंग्स पे आता है, ठीक है। तो ये वाला है हमका पुलमोनरी बेल, या हमारा है डोर्सल आउटा है। तो ये वाला है हमारा वेना कावा, यहाँ पर होता है हमारा पुलमोनरी आर्टरी, ये आपका डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये वाला पार्ट है हमारा पुलमोनरी सर्कुलेशन, एंड ये वाला पार्ट है हमारा सिस्टमिक पुलमोनरी सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, देन हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन आपका हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में होता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर देखते हैं हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट रेगुलेटेड इंट्रिंसिकल दैट इज बाय ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स कॉल्ड नोडल टिश्यू, हम जो नोडल टिश्यू SANAVN नोडल टिश्यू से होते हैं, ठीक है। हेंस द हार्ट बीट हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसीलिए हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ओब्लोंगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगाटा में भी प्रेजेंट होता है। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू विच सिंपैथेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ ANS हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द हार्ट बीट द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। हमारा जो क्या होता है सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को, इंक्रीज करता है इंक्रीजेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है, सभी इंक्रीज करता है। ऑन द अदर हैंड पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, देन डिक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। सिंपैथेटिक सब इंक्रीज करता है, पैरासिंपैथेटिक सब डिक्रीज करता है, ठीक है। एड्रेनल मेडुलरी हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, एड्रेनल जो हमारा होता है एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन वो जो और नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है नॉन एड्रेनालिन वो सारे भी एड्रेनालिन हॉर्मोन्स हमारा इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सो गाइस ये चैप्टर हमारा जो डिजीज वाला पार्ट और वो जो ब्लड वाला पहला वाला पार्ट था वो आप NCERT से एक बार पढ़ लीजिए, वो डाटा बेस्ड है, ठीक है, आप इसे उसे याद कर लीजिए। सो गाइस आज का था ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, जो हार्ट उसका फंक्शन ECG, ठीक है, डबल सर्कुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा वीडियो अपलोडिंग, ठीक है। आप जितने सब्सक्राइब करेंगे मेरा भी एक्साइटेशन बढ़ेगा, मैं भी नए नए वीडियोस पोस्ट अपलोड करूँगा, ठीक है। सो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।